इन दिनों बिग बॉस तेलुगु की काफी चर्चा हो रही है। साउथ के कम ही शो होते हैं जिनके बारे में इतनी बात की जाती है। इस शो को जूनियर एनटीआर होस्ट कर रहे हैं। शो के कंटेस्टेंट भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन कंटेस्टेंट में एक नाम मुमैथ खान का भी है। शो शुरू हो चुका है और मुमैथ घर के अंदर है, लेकिन ड्रग्स केस में फंसने के चलते उन्हें शो छोड़कर हैदराबाद आना होगा। यहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट ने मुमैथ को समन भेजा है। मुमैथ के अलावा एक ट्रेस चार्मिक और रविवार तेजा, नवदीप, तरुण, सुबुराज नंदू और सिनेमेटोग्राफर श्याम के नायडू व आर्ट डायरेक्टर चिना को भी समन भेजा गया है। मुमैथ ट्रेस के साथ आइटम गर्ल भी है। साउथ में मुमैथ काफी फेमस है। मुमैथ ने करीब 15 हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। मुमैथ ने सलमान खान के साथ फिल्म लकी और संजय दत्त की फिल्म मुना भाई MBBS में आइटम सॉन्ग देख ले किया था। मुमैथ ने करीब 124 से ज्यादा हिट आइटम नंबर दिए हैं। मुमैथ का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका परिवार पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में आकर रहने लगे थे। मुमैथ चार बहने हैं। मुमैथ की बड़ी बहन जॉबिन भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। उन्होंने कई फिल्मों में कैमियो किया है। मुमैथ ने जब अपना करियर शुरू किया था तो उन्हें एक गाने के लिए सिर्फ 750 रुपए मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे मुमैथ इतनी पॉपुलर होगी कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी। अब वो 5 मिनट के एक गाने के 30 लाख रुपए चार्ज करती हैं। मुमैथ अपनी फिल्मों के साथ काफी विवादों में भी रही है। साल 2008 की न्यू ईयर पार्टी में मुमैथ परफॉर्म कर रही थी। यहाँ एक शख्स ने उनके सीने पर शराब गिरा दी। इसके बाद उन्होंने शो कैंसिल कर दिया था और वो तुरंत वहां से चली गई थी। मुमैथ हॉलीवुड सिंगर शकीरा और बियॉन्स से काफी प्रभावित हैं और वो उनकी तरह सुपरस्टार बनना चाहती हैं। मुमैथ ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कांटे के गाने इश्क समंदर से की थी। मुमैथ का आरे प्रीतम प्यारे भी काफी हिट हुआ था। मुमैथ एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जो सिर्फ आइटम नंबर के जरिए स्टार बन गई है। मुमैथ की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो 4 लोगों के साथ लिव इन रिलेशन में रह चुकी हैं, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ये बात मुमैथ ने खुद एक इंटरव्यू में कबूली थी। मुमैथ ने कहा था, मैंने अपने रिलेशन के लिए एक सर्जरी करवाई थी। इस सर्जरी में 27 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस सर्जरी में मेरे दिमाग में 9 महंगे टाइटेनियम के तार लगाए गए थे, लेकिन अब मैं रिलेशन के लिए पैसे वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मुमैथ को लंबे समय से कोई आइटम नंबर ऑफर नहीं किया गया है, इसलिए कुछ समय पहले उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म शुरू की। अब मुमैथ इसी से पैसे कमा रही हैं। फिलहाल वो बिग बॉस के घर में देखी जा सकती हैं।